बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। कलयुग का देवता माने जाने वाले बाबा श्याम का जन्मदिन हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 यानी एकादशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि कुछ भक्त बाबा श्याम का जन्मदिन फाल्गुन मास की 11 को भी मनाते हैं। खाटू श्याम के प्रेमियों को बाबा के जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। खाटू श्याम जी का जन्मदिन देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। मंगलवार को बैठमा में देपालपुर रोड स्थित मंदिर में यह जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां संगीत, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा से मंदिर परिसर चमक उठा। वहीं देव उठनी 11 के मौके पर समीपस्थ ग्राम कराड़िया में तुलसी विवाह का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठमा व क्षेत्र के इस एकमात्र खाटू श्याम मंदिर को इस अवसर पर फूलों व विद्युत बल्बों से आकर्षक रूप से सजाया गया था, जहां भक्तों की भीड़ सुबह से ही बनी रही। शाम को बाबा का मनमोहक श्रृंगार किया गया था, जहां आरती के बाद शाम कीर्तन के हुए। आयोजन में भक्त देर रात तक भाव विभोर हो झूमते रहे। हर कोई बाबा श्याम की भक्ति में लीन दिखा। इस अवसर पर ग्राम अटौदा से प्रति 11 को निकलने वाली भक्तों की एक पैदल निशान यात्रा करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर खाटू श्याम मंदिर पहुंची। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में बाबा श्याम या खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, इसलिए खाटू श्याम को कलयुग का भगवान कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, यही कारण कि उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।